देखिए लिंचिंग पहले भी हुई है, 5 साल में बड़ी बीजेपी जब से सत्ता में आई बढ़ गई। वजह क्या है कि बीजेपी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। मोदी बोलते कुछ और है, उनके लोग करते कुछ और है, होता कुछ और है। आज आप देखिए, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिनको लोग वोट देके चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या आप हमारी बात रखिए, वहाँ पर जब एक मुसलमान सांसद ओथ लेने जाता है तो आप नारेबाजी करते हो, वहाँ पे स्लोगनियरिंग करते हो, हुलिगनिज्म दिखाते हो, उस जगह पर जय श्री राम, भारत माता की, अब सब चिल्लाते हो। तो ये आप जैसे लोग अगर अंदर करेंगे जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसका इफेक्ट बाहर भी आता है। बाहर लोग रोक रहे टैक्सी ड्राइवर को, जय श्री राम बोले तो मारेंगे। अब झारखंड में 18 लिंचिंग्स हो गई, बीजेपी रूल स्टेट है। पूरे इंडिया के अंदर अब अखलाक खान को देख लो, अखलाक, पहलू खान, सबको इसी तरह से कभी किसी को गाय के नाम पे सस्पिशन ऑफ कैरिंग काउ, उसके नाम पे पकड़ लिया। ये मॉब लिंचिंग क्या है, मॉरल पुलिसिंग? अगर आपको सस्पिशन है कि आप गलत काम कर रहे हो, आप गाय को लेके जा रहे हो, पुलिस फोर्स है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस आएगी उसको अरेस्ट करेगी। मगर यहाँ क्या हो रहा है, 100 आदमी आते हैं, वो एक बेकसूर बूढ़े को पकड़ते हैं, जवान बच्चे को पकड़ते, तेरा नाम क्या, उसने बोल दिया मेरा नाम पहलू खान, तेरा नाम क्या, उसने बोल दिया मेरा नाम तबरेज अंसारी, बस उसको पकड़ के मारो, उसको बोलो जय श्री राम बोल, नहीं बोल, मारते रहेंगे जब तक मर जाता है आदमी। उसके बाद में होता क्या है, अलीमुद्दीन के केस में क्या हुआ, जब अलीमुद्दीन के कातिल बेल पे छूट के बाहर आए, तो ये बीजेपी के जो सांसद है वो उनको अपने घर में बुला के गार्लैंड करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। क्या मैसेज आप दे रहे हो देश में, यानी आप मॉब लिंचिंग को कम करने की जगह बढ़ावा दे रहे हो, और मोदी जी सिर्फ लिप सिंकिंग कर रहे हैं। अरे आप एक्शन लो, स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट होने चाहिए इस तरह, तब जाके मिनेज कम होगा, वरना अब तो बॉम्बे में भी शुरू हो गया, 2 जन का हो गया। मैंने असेंबली में भी इसको उठाया, रस्ते पे भी हम खड़े हुए कि भाई हम कोई मॉब लिंचिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा सरकार को, वरना किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके साथ कभी हो सकता है, कभी आप जा रहे हैं, किसी ने कह दिया कि आपका नाम क्या, आपने कह दिया कि मेरा नाम अरे खान है, तो जय श्री राम बोलो, मारेंगे, नहीं बोलेंगे तो मारेंगे। आज इंडिया का नाम मॉब लिंचिंग की वजह से यूनाइटेड नेशन में क्या हो गया, वहां पे इसकी चर्चा हो गई कि माइनॉरिटीज के लोगों को मारा, और एम्पिरिकल डेटा है कि 94% जो मॉब लिंचिंग के विक्टिम है वो मुस्लिम्स और दलित्स है, डेटा तो रॉन्ग नहीं है ना। तो आप एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह का हेट्रेड फैलाओगे तो फिर हमारा सेक्युलर फैब्रिक जो देश का है वो नष्ट हो रहा है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल, दे आर टेकिंग लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स, लॉलेसनेस हो जाएगा हमारा देश, कानून अपने हाथ में लेके आप 100 आदमी, अब कल को कोई आ गया बोला मारूंगा तेरा नाम क्या, किसने बोल दिया, नॉन मुस्लिम, फिर उसको अल्लाह अकबर बोल, नहीं तो मारेंगे, कहाँ जाएगा फिर ये, तो ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। तो अगर सरकार इसमें सीरियस है तो इमीडिएटली सरकार को स्ट्रिक्ट स्टेप, सिर्फ जुबान खर्चा नहीं करना है, लॉ फॉर्म करके मॉब लिंचर्स को जेल में डालो, नॉन बेलेबल ऑफेंस करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलाओ, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट शुड बी लाइफ, ऐसा आप स्ट्रिक्ट कानून बनाओगे तब जाके अकल ठिकाने आएगी।